दोस्तों हर वीडियो में YouTube ने जो थैंक्स का ऑप्शन मुझे दिया है, इसके जरिए अगर आप चाहे तो मिनिमम से मिनिमम या मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हो सके तो प्लीज करें, इसकी मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या प्रधानमंत्री मोदी को आज तक की रिपोर्टर मौसमी सिंह ने पनौती कहा? आखिर अंजना उनका शब्द के शो में पनौती शब्द आया कहां से? इसी को लेकर अब पूरा का पूरा विवाद शुरू हो गया और आज तक की जबरदस्त तरीके से ट्रोलिंग हो रही है। अगर आप पूरा विवाद जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो में क्लिक कर सकते हैं जो कि आज सुबह ही मैंने अपलोड किया है। हुआ ये दोस्तों कि कल रात जब उत्तरकाशी के टनल से 41 मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा था, आज तक मैं बैठकर स्टूडियो से अंजना कश्यप एंकरिंग कर रही थी और आज तक की वरिष्ठ रिपोर्टर है मौसमी सिंह, काफी पुरानी रिपोर्टर है आज तक की, हिंदी अंग्रेजी दोनों में रिपोर्टिंग करती है, वो लाइव उत्तरकाशी से टनल के पास से रिपोर्टिंग कर रही थी। अचानक अंजना कश्यप ने मौसमी सिंह से कहा कि आप बड़ी शुभ हैं, आप गई और देखिए आज वहां रेस्क्यू पूरा हो गया। और पता नहीं मौसमी सिंह को क्या हुआ और उन्होंने कहा हां मैं शुभ हूं, पनौती नहीं है। अब आप बताइए रेस्क्यू ऑपरेशन में पनौती शब्द क्यों इस्तेमाल किया आज तक के रिपोर्टर ने, इसे लेकर हर कोई सवाल पूछ रहा है। लेकिन इस बीच बीजेपी के नेता मौसमी सिंह से नाराज हो गए। दोस्तों आज तक की रिपोर्टर को बीजेपी के नेता तजेंद्र बग्गा, जो कि पीएम मोदी के बहुत परम भक्त हैं, दिल्ली के बड़े नेताओं में से एक हैं, तो जैसे ही मौसमी सिंह ने ये कहा कि मैं बड़ी शुभ हूं और पनौती नहीं है, ये क्लिप सोशल मीडिया में वायरल हो गई आज तक की, तो बीजेपी के नेता तजेंद्र बग्गा नाराज हो गए और आज तक की रिपोर्टर को देखिए सुनाते हुए क्या कहने लगे। जहां पूरा देश इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन पर हर्ष से डूबा है, वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता और आज तक की चिंदी पत्रकार मौसमी आज भी राजनीति कर रही है। ऐसे लोग कांग्रेस के 2 BHK फ्लैट के लिए अपना जमीन बेच देते हैं। बताइए आज तक छोड़िए, देश के किसी भी न्यूज चैनल ने प्रधानमंत्री मोदी की भक्ति में कोई कमी छोड़ी है? एक शब्द पनौती क्या निकल गया रिपोर्टर से? एक शब्द हो जाता है भाई, गलती से हो जाता है, एक्साइटमेंट में हो जाता है, तो मतलब उनके पीछे पड़ गए बीजेपी के नेता ऐसे कि कहने लगे कि चिंदी पत्रकार, चिंदी रिपोर्टर 2 BHK के लिए ये सब कर रही है। हालत ये हो गई दोस्तों कि तजेंद्र बग्गा के इस पोस्ट में कई लोगों ने कमेंट किया अलग अलग तरह से, तेरी क्यों जली भाई, किसे पनौती बोला मौसमी ने, बताओ तो किसे पनौती बोला। तजेंद्र बग्गा जी, मौसमी जैसे पत्रकारों की रोटी ही पीएम मोदी के इर्द गिर्द रहकर पक रही है। ये ऐसे दोगले पत्रकार है कि मौका अनुसार मोदी जी को कभी पनौती तो कभी चुनौती मानते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, कुछ भी हो मोदी जी इनको भाव नहीं देने वाले। ये तो तुम्हारा ही सपोर्ट वाला चैनल है, इस बात को तुम व्यक्तिगत क्यों ले रहे हो? अंजना कश्यप का नाम लिखने में क्यों डर रहे हो? क्योंकि उनके पास 3 BHK है। मौसमी सिंह ईमानदार और निडर पत्रकार है। तो कई लोगों ने मौसमी सिंह का सपोर्ट किया, कई लोगों ने बीजेपी नेता तजेंद्र बग्गा का सपोर्ट किया, लेकिन मैं तजेंद्र बग्गा से जानना चाहती हूँ कि उनको इतना गुस्सा क्यों आया? मौसमी सिंह ने किसी का नाम लिया कि फलाना पनौती और मैं नहीं हूँ, सिर्फ पनौती शब्द बोला, ये पनौती शब्द बीजेपी वालों को इतना परेशान क्यों कर रहा है? आप बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन, बार बार याद दिला रही हूं, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं।